दोस्तों, गुरु ग्रह के बाद शुक्र ग्रह के द्वारा उत्पन्न समस्त रोगों को दूर करने के लिए और समस्त व्याधियों की शांति के लिए हम आपको कुछ छोटे छोटे और सरल टोटके बता रहे हैं। जब शुक्र कुपित होता है या शुक्र अनिष्ट हो प्रदान करने लगता है तो तमाम प्रकार से शारीरिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें कि नेत्र में प्रायः शुक्र के कुपित होने से नेत्र संबंधी दोष अत्यंत शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं। कमर के नीचे वाले भाग में तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शुक्र से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रोग है वह है मधुमेह, जिसे हम लोग डायबिटीज या शुगर भी कहते हैं। शुक्र के कुपित होने से यह रोग मधुमेह अत्यंत शीघ्रता से उत्पन्न होता है और अत्यंत शीघ्रता से बढ़ता भी जाता है। इसके कारण तमाम प्रकार के शोथ, मूत्र रोग, गुल्म, उपदंश और स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी रोग भी शुक्र की दशा से या शुक्र के कुपित होने पर ही उत्पन्न होते हैं। तो शुक्र के द्वारा उत्पन्न समस्त रोगों की निवारण के लिए और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त कर समस्त रोगों को दूर करने के लिए यह छोटे छोटे और आसान टोटके बताए जा रहे हैं। अगर एक जड़ी होती है जिसका नाम है सरपंखा, उस सरपंखा की जड़ी को शुक्रवार के दिन ला करके उसे गंगा जल में धो करके नीले धागे में बांध करके दाहिनी भुजा पर धारण करने से शुक्र के द्वारा उत्पन्न समस्त रोग शांत होते हैं और वह व्यक्ति अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है। इसके साथ अगर शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त करनी हो तो शुक्रवार के दिन भोजन आरंभ करने से पूर्व ही उस भोजन का कुछ अंश निकाल करके सर्वप्रथम गाय को अर्पित करें। गाय को वह भोजन का अंश देने के बाद पुनः भोजन करना प्रारंभ करें। ऐसा करने से शुक्र के द्वारा उत्पन्न समस्त रोग और समस्त पीड़ा, समस्त दोष शांत होकर के अतिशीघ्र वह व्यक्ति स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके साथ साथ किसी भी सोमवार को, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सफेद चावल एक एक मुट्ठी रोज निकाल करके पीपल के पेड़ में डालते रहे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ऐसा 5 मुट्ठी चावल निकाल करके वह एक एक मुट्ठी सफेद चावल पीपल के पेड़ के नीचे डाल देने से भी शुक्र के द्वारा उत्पन्न समस्त रोग और समस्त व्याधि अवश्य दूर होती है। इसके साथ साथ शुक्र के द्वारा उत्पन्न समस्त रोगों को शांत करने के लिए या समस्त रोगों से मुक्त होकर के आरोग्य लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी शुक्रवार के दिन 5 सफेद फल लेकर के या 5 बतासे लेकर के उसमें बरगद का दूध मिला दें। बरगद का दूध उन बतासों पर डाल करके प्रत्येक बतासा को बहती हुई पानी में डालते हुए यह प्रार्थना करें कि हे भगवान शुक्र, आप मेरे समस्त शरीर जन्य दोष को समाप्त करके, समस्त रोगों को समाप्त करके आप प्रसन्न होइए और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। ऐसा लगातार 6 शुक्रवार को करते रहने से शुक्र के द्वारा उत्पन्न समस्त रोग शांत होते हैं और वह व्यक्ति अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेता है।